हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन आज हम फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक की क्लास नंबर नाइन कर रहे हैं जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट शुरू की हुई है तो आठ क्लास हम इसकी पहले कर चुके हैं जिसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फील्ड एक्सटेंशन यूनिट वन के नाम से तो आप पहले उन क्लासेस को कम्प्लीट कर लीजिए फिर आप ये क्लास देख लेना तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास तो एक थ्योरम हमने पिछली क्लास में की थी उसी की कोरोलरी हम आज करने वाले हैं तो कोरोलरी क्या है उससे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इसी थ्योरम की ही कोरोलरी है वो लेट के ओवर एफ बी एनी एक्सटेंशन के ओवर एफ कोई एक्सटेंशन दी हुई है हमें के ओवर एफ हमें क्या क्या गिवन है एक सेकंड रुकना प्लीज वेट फॉर अवाइल K और F, K और F हमें क्या गिवन है? K और F बीएनी एक्सटेंशन एंड लेट S इज़ इक्वल टू X बिलोंग टू K सच दैट X इज़ एलजेब्राइक ओवर F मतलब सेट S में वे सारे एलिमेंट्स हैं K के जो कि एलजेब्राइक हैं ओवर F, then S is subfield of K containing F. तो जो हमारा S है ना वो सबफील्ड होगा K का. जिसके अंदर एफ कंटेन्ड होगा दो चीजें हैं इसमें एक तो एस सब फील्ड होगा के का और एफ एस के अंदर कंटेंड होगा मतलब F is contained in S, ये दो चीजें होंगी और जो S होगा न, होगा, K, जो होगा होगा ना वो की की कि के अंदर contained होगी S, largest algebraic extension होगी ठीक है ये हमारी थ्योरम थी अब आ जाइए कोरोलरी पे क्या है लेट के और एफ बी एनी एक्सटेंशन ठीक है ए बी बिलोंग टू के बी एलज्राइक ओवर एफ और दो एलिमेंट है ए बी जो कि के में से लिए गए हैं ये दोनों एल्जब्राइक है ओवर एफ तो हमें प्रूव करना है ए प्लस माइनस बी ए डॉट बी ए बी इनवर्स वेयर बी इज नॉन जीरो आर जीरोब्राइक ओवर एफ ये हमें प्रूव करना है तो अगर ए और बी एल्जब्राइक ओवर एफ है देन बाय अबव थ्योरम एफ ए कोमा बी एक्सटेंशन ऑफ एफ अगर ए कोमा बी एल्ज्राइक हैं, अगर ए कोमा बी जो कि के में से ले रहे हैं हम अगर वे दोनों एल्जब्राइक हैं ओवर एफ तो हमने क्या किया जो ऊपर वाली थ्योरम थी उससे हमने फील्ड में ये दोनों एलिमेंट जोड़ दिए एफ ए कोमा बी ये एल्जब्राइक एक्सटेंशन होगी फील्ड एफ की सो एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ए बी सो एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ए बी इज़ एलज्राइक ओवर एफ सो एफ तो खुद पे एल्जब्राइक होगी ही साथ में ए और बी बी एलजब्राइक एफ के तो एफ ए बी के सारे के सारे एलिमेंट अल्जब्राइक हो गए ओवर एफ सो दिस शोज दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज अगर सारे ही एलिमेंट अल्जब्राइक हैं और ये फील्ड भी है तो ए प्लस माइनस बी बी एल जब होगा ए डॉट बी बी ए बी इनवर्स बी एल जब होगा और एल्जब्राइक ओवर एफ बस यही थी हमारी कॉलोलरी बस मेन स्टेप इसमें यह था कि जो ऊपर वाली थ्योरम यूज की है उससे एफ ए बी एक एल्जेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगी एफ की और अगर ये एल्जेब्राइक एक्सटेंशन हो गई तो इसका हर एक एलिमेंट एल्जेब्राइक होगा और एफ दिस इंप्लाइज ए प्लस माइनस बी ए डॉट बी ए बी इनवर्स वेयर बी इज नॉन जीरो आर एल्जेब्राइक ओवर एफ नाउ वी हैव टू प्रूव एन एग्जाम्पल वट वी हैव टू शो इज टू शो दैट एवरी एल्जेब्राइक एक्सटेंशन नीड नॉट बी फाइनाइट मतलब एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन एल एक्सटेंशन ये तो हम प्रूव कर चुके हैं बट अब हमने प्रूव करना है कि एवरी एक्सटेंशन नीड नोट बी फाइनाइट अब हमने ये पहले क्यों नहीं किया जब वो थ्योरम की क्योंकि इसका यूज होगा जो हमने अभी तक थ्योरम किए उनका उनका इसमें यूज होगा तो इसलिए हमने ये काउंटर एग्जाम्पल अब बाद में दिया उसी टाइम नहीं दिया ठीक है तो हमको शो क्या करना है एवरी एल्जब्राइक एक्सटेंशन नीड नोट बी फाइनाइट मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है एवरी अल्जेब्राइक एक्सटेंशन नीड नॉट बी फाइनाइट उससे पहले हमको आइसेंस्टीन क्राइटेरियन ऑफ इरिड्यूजिबिलिटी सीखना है क्योंकि इसका यूज होगा इसके प्रूफ में तो पहले देख लेते हैं आइसेंस आइसेंस्टीन क्राइटेरियन ऑफ इरिड्यूजिबिलिटी अगर मेरा कोई पोलिनोमियल एफ है ए नोट ए वन एक्स की पावर एन अगर मेरा ये कोई पोलिनोमियल है मतलब ये ऐसे चल रहा है ए नोट ए वन की पावर एक्स वन ए टू की पावर एक्स स्क्वेयर ऐसे ही ए एन की पावर x की पावर ए एन एक्स की पावर n, वेर ए आई बिलोंग टू जेड एक्स और ये ए आई क्या है इंटीजर से हो तभी वैलिड है मतलब ये सारे इंटीजर्स होने चाहिए ए आई ये भी ये भी ये भी ये सभी इंटीजर्स से होने चाहिए ठीक है देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p सच दैट p डिवाइड्स a, p डिवाइड्स

और p स्क्वायर a नोट को डिवाइड ना करे तो हम बोलेंगे कि जो पॉलिनोमियल f x है ना वो इर्रेडुजिबल है ओवर q इर्रेडुजिबल है ओवर q मतलब कि मेरा कोई पॉलिनोमियल f x मैंने ले लिया a नोट a वन x की पावर वन प्लस a टू x स्क्वायर अप टू a एन x की पावर एन जहां पे सारे a आईज इंटीजर्स से थे सारे a आईज चाहिए कोई रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए इनमें ना इरेशनल रूट वगैरह होना चाहिए सारे ए नोट अप टू अपन इंटीजर्स होने चाहिए तो अगर कोई ऐसा प्राइम प्राइम एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है है अगर कोई ऐसा प्राइम P करता है, जो इन बीच वाले नंबर्स जो है उनके कोफिशियंट जैसे ए वन ए टू अपू एन माइनस वन तक उन सब को तो वो पी डिवाइड कर रहा है बट ये पी ए एन को डिवाइड नहीं कर रहा और पी स्क्र ए नोट को डिवाइड ना करे तो क्या हो जाएगा तो मेरा जो एफ एक्स है वो इरेड्यूजिबल हो जाएगा ओवर क्यू तो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता तो रेड्यूजिबल भी हो सकता है और इरेड्यूजिबल भी हो सकता है अगर इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो वो पक्का इरेड्यूजिबल होगा लेकिन अगर कोई इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई ना करे अगर कोई इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई ना करे तो वो दोनों हो सकता है रेड्यूजिबल भी हो सकता है irreducible. उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन अगर कोई इस क्राइटेरिया को कर रहा है, तो पक्का है, irreducible होगा। है एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं और यही सेम टू से देंगे वो ऐसे का ऐसा यूज होगा उस काउंटर एग्जाम्पल में सो एफ एक्स हमने एक ले लिया एक्स की पावर एन प्लस वन और खाली कॉन्स्टेंट लास्ट में पी है माइनस पी यर पी इज प्राइम तो हमने क्या किया इसको इसको कंप्लीट कर लिया मतलब इसका कितना है 1. X 1 X की N 1. और लास्ट तो में माइनस पी तो था ही. तो जीरो से मल्टीप्लाई कर करके लिख लिए तो पोलिनोम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाउ बाई यूजिंग क्राइटेरियन तो आईसेन क्राइटेरियन से ये जो बीच में जो जीरो 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 आई है तो इन सब को तो पी डिवाइड करेगा ही क्योंकि पी ऐसे जैसे अगर हम ले ले पी जीरो, को तो डिवाइड करेगा ही, जीरो आ जाएगा, बट पी डू नॉट डिवाइड डि और क्या था कि जो मैक्सिमम पावर हो उसको तो पी डिवाइड ना करे मतलब मैक्सिमम पावर कितनी थी एक्स की पावर एन प्लस वन इसके कोफिशियंट को तो पी ना डिवाइड कर रहा हो और पी स्क्वेर भी पी को डिवाइड ना कर रहा हो और पी स्क्र

और लिया किसमें से हमने के में से लिया ये एक्सटेंशन है और कोई एलजब्राइक एलिमेंट ए है जो हमने के में से लिया है उसको हम एल्ज्राइक ओवर एफ ऑफ डिग्री एन जब बोलेंगे लेंगे ओवर एफ ऑफ डिग्री एन जब बोलेंगे इफ इट्स मिनिमल पोलिनोम इज ऑफ डिग्री एन अगर उसका मिनिमल पोलिनोम डिग्री एन का हो ठीक है अगर उसके मिनिमल पोलिनोमिल की डिग्री एन हो जब हम उसको बोलेंगे कि वो एलजब्राइक ओवर एफ है ओवर डिग्री एन ऑफ डिग्री एन क्लियर तो ये हो गई बात हमारी अब बस ये काउंटर एग्जाम्पल जो था वो बताना रह गया अ काउंटर एग्जाम्पल टू शो दैट एवरी एल्जब्राइक एक्सटेंशन नीड नोट बी फाइनाइट मतलब जरूरी नहीं है कि हरेक एल्जब्राइक एक्सटेंशन फाइनाइट भी हो ये कोई जरूरी नहीं है तो हमने क्या किया हमने C ले लिया ये C C बी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Q बी द फील्ड ऑफ रैशनल्स ये दो ले लिया हमने C और Q डिफाइन कर लिए नाउ लेट E E एक सेट डिफाइन किया सेट में वे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं E सेट में वे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको हमने Z से डिनोट कर लिया उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि एल जेबराइक ओवर क्यू वे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे ई e सेट में जो कि एलजेब्राइक है ओवर क्यू तो लिखेंगे कैसे जेड बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच इज ओवर क्यू ई सेट में मेरे वे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है फील्ड वे -वे e e, तो एक्सटेंशन में कंटेंड होती है सो क्यू इज कंटेंड इन ई ये ट्रिवियली है एंड ई इज सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये सब फील्ड है क्योंकि इसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है सिर्फ वे है जो एलजेबराइ का ओवर क्यू सारे नहीं है तो ई सब फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर की ठीक है तो ई सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर क्यू फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेनिंग क्यू सो इससे क्या आ गया इससे क्या आ गया ई ओवर क्यू एल्जेबराई का एक्सटेंशन हो गई बाय अबव थ्योरम अभी तो हम करके आए हैं कि अगर ऐसा कोई सेट जिसके अंदर सारे के सारे वे एलिमेंट है जो एलजबराइक है ओवर फील्ड एफ तो तो वो क्या होगी तो वो भी एल्जबराइक एक्सटेंशन होगी ये अभी तो कर क्या है हम ठीक है तो ई सब फील्ड हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की कंटेनिंग क्यू सच दैट ई ओवर क्यू क्या हो जाएगी एल्जराइक एक्सटेंशन बाय अब थ्योरम अब हमें क्या क्लेम करना है कि जो ई ओवर क्यू है ना वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन है ये हमको क्लेम करना है क्योंकि ये एल्जबराइक तो हो गए एवरी एल एक्सटेंशन एल एक्सटेंशन हमने ले ली अब हम कोई ये प्रूव करना है कि ये इनफाइनाइट एक्सटेंशन है फाइनाइट नहीं है तो इस काउंटर एग्जाम्पल को देके हम अपना प्रूव कर देंगे तो हमको प्रूव करना infinite extension है इनफाइनाइट एक्सटेंशन बट हम क्या ले लेंगे लेट इफ पॉसिबल ओवर इज इज फाइनाइट दैट लेस देन तो हमने क्या कंसीडर कर लिया अगर फाइनाइट है अगर फाइनाइट है और इसकी डिग्री एन है तो इसका जो मिनिमल पोलिनोम होगा तो इसका जो मिनिमल पोलिनोम होगा उसकी डिग्री भी तो फाइनाइट होगी अभी हमने डेफिनेशन की थी तो चलो देखते हैं आगे क्या है लेट इफ पॉसिबल ओवर क्यू इज इक्वल टू एन लेस इंफिनिटी तो हमने एक पोलिनोम एन प्लस वन माइनस पी के इक्वल है जो पोलिनोम एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस पी के इक्वल है P से क्या हो जाएगा एफेक्स इेड्यूजिबल हो जाएगा ओवर क्यू क्योंकि अभी हम पीछे करके आए हैं आईस एंसटीन क्राइटेरिया ने एक्सप्लेन किया जब इसी पोलिनोम के बारे में ये इेड्यूजिबल था ओवर क्यू ठीक है सो इज ओवर क्यू इड्यूजल है ओवर ओवर है तो क्या होगा लेट ए बी एनी जीरो ऑफ पोलिनोम एफेक्स क्योंकि कोई ना कोई तो रूट होगा ना इस पोलिनोम एफेक्स का अगर ये इड्यूजिबल है ओवर क्यू तो कोई ना कोई रूट तो होगा ही सो एफ एक्स इज रिड्यूजल क्यू लेट एनी जीरो जरूर वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जरूर वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा सच दैट एफ इज इक्वल टू जीरो क्योंकि वो रूट है this implies a to set e. और ये ए किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एल्जेब्राइक होगा एल्जेब्राइक होगा तो वो सेट ई में चला जाएगा ठीक है और सेट ई में कौन थे सारे वे एलिमेंट थे जो, जो कि, सारे वे एलिमेंट थे ये जो सेट ई हमने लिया था सारे वे कॉम्प्लेक्स नंबर थे जो कि एल्जेब्राइक थे ओवर क्यू ठीक है तो यहां से क्या हो गया ए बिलोंग टू आ गया

So, A is algebraic over Q. तो जो मेरा ए पॉइंट था वो एल्जेब्राइक हो गया ओवर क्यू क्योंकि ये इस minimal polynomial को satisfy कर रहा है इसकी कितनी आ गई क्योंकि जो minimal polynomial की होती है वही इसकी डिग्री होगी सो so, डिग्री आ गई एन प्लस वन नाव क्यू इज इन ई और क्यू बताया था कि सेट e में कंटेन्ड है एंड ए बिलोंग टू और ए मेरा किसको बिलोंग कर रहा है सेट ई e को बिलोंग कर रहा है सेटिस्फाइड बाय ए बिलोंग टू ई सो यहां से आ गया क्यू ए इज कंटेन्ड इन ई ठीक है यहां से आ गया क्यू ए इज कंटेन्ड इन ई क्योंकि ए मेरा ई e को बिलोंग कर रहा है तो क्यू ए कंटेन्ड इन ई हो जाएगा ना ठीक है कैसे हुआ क्यू ए कंटेंड इन ई देखो ए क्यू ए के अंदर है क्यू ए है ये तो इसके अंदर क्यू तो सारे हैं ही साथ में ए भी है सो ए बिलोंग टू क्यू ए और अभी हमने कहा कि ए e के अंदर भी है एंड इज ए बिलोंग टू सो दिस इंप्लाइज क्यू ए इज कंटेड इन ई यही तो है सिंस इज द स्मस्ट सब फील्ड कंटेनिंग क्यू एंड ए सो क्यू ए इज सबसे छोटी सबफील्ड है जिसके अंदर सारे के सारे क्यू हो और साथ में ए भी हो सो क्यू ओवर क्यू इज लेस देन इक्वल टू

इज ई ओवर क्यू इज एन इंफाइनाइट एक्सटेंशन तो इसका यह मतलब है कि ये फाइनाइट एक्सटेंशन नहीं है यह तो इनफाइट एक्सटेंशन है Clear? यहां से समझने वाली बात थी बस ये एक लाइन क्योंकि यह मिनिमल पोलिनोमियल हो गया क्योंकि -reducible था तो मिनिमल पोलिनोमियल हो गया और ए ओवर क्यू सो एज एल्ज्राइक ओवर क्यू हो गया और एल्ज्राइक हो गया तो क्यू ए और क्यू की डिग्री कितनी हो गई एन प्लस वन क्योंकि मिनिमल पोलिनोमल की डिग्री एन प्लस वन है इतना आ गया था नाउ क्यू इज कंटेंड इन ई और हमने ये बोल दिया था शुरू में ही कि जो रैशनल नंबर्स होंगे वे ई e में कंटेंड होंगे ठीक है तो ए बिलोंग टू ई एंड ए बिलोंग टू ई और जो मेरा ए है वो हम हम ई e में से ले रहे हैं ठीक है तो इससे क्या आ गया क्यू ए इज कंटेंड इन ई ये बताया था मैंने यहाँ पे सिंस इज द स्मोलेस्ट फील्ड कंटेनिंग क्यू एंड ए और जो मेरा क्यू ए था वो स्मोलेस्ट फील्ड थी जिसके अंदर क्यू और ए दोनों थे सो क्यू ओवर क्यू इज लेस देन क्योंकि ये क्योंकिस्ट फील्ड है सो क्यू ओवर क्यू इज लेस देन इक्वल टू ओवर क्यू विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि ये QA था ई में सो क्यू ओवर क्यू इज लेस देन होगा ई ओवर क्यू में विच इज अंट्राडिक्शन एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एन ये ऐसा नहीं हो सकता है एन प्लस वन के एन से छोटा हो जाए इसकी डिग्री तो एन प्लस वन और इसकी डिग्री है एन तो ऐसा तो हो नहीं सकता सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन और इससे क्या आ गया दी ओवर एफ इज एन इंफानाइट एक्सटेंशन तो आज की क्लास में हम इतना ही कर करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम अपने आगे के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आठ नंबर में तो जो अब तक हमने थ्योरम की उनमें से कोई आ जाती है और साथ में आठ नंबर में एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है तो कुल मिला के सोलह नंबर का काम हो जाता है ये टोटल छः पाँच छः एग्जाम्पल हैं ये हम सारे करेंगे कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय थैंक यू सो मच